आईटी का सपना मैक्सिमम लोगों का रह जाता है दोस्तों, और सब जो है इंजीनियरिंग ज्वाइन कर लेते हैं। बट पता है आप लोगों को, मैं ऐसे तीन तरीके आपको बता सकता हूँ जिसके बाद, मतलब आप जैसे इंजीनियरिंग कंप्लीट कर दो उसके बाद भी आईटी जाकर अपनी पढ़ाई कर सकते हो, या फिर आईटी का टैग ले सकते हो, या फिर कुछ ऐसे दो तरीके भी बताने वाला हूँ जब आप इतनी इंजीनियरिंग कर रहे हो तब भी जो है आप आईआईटी का टैग अपने नाम के आगे लगा सकते हो। दोस्तों जो भी चीज कीजिएगा, आईआईटी की फीस अच्छी है तो पैसे तो लगेंगे, बट दोस्तों जो पहले मैं आपको तीन तरीके बताने वाला हूं जिससे आप आईआईटी में जाके पढ़ सकते हो, उससे तो आपको प्लेसमेंट भी अच्छा मिलेगा। तो ऐसा कौन सा तरीका है? इसमें एलुमनी सपोर्ट भी मिलता है और आईआईटीएन का टैग वो भी मिल जाएगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से तीन एग्जामिनेशन या फिर पांच ऐसे तरीके हैं। तो सबसे पहली एग्जामिनेशन तो वही है दोस्तों जो आप लोग सोच के रखे थे, वो तो है गेट एग्जामिनेशन। भाई गेट एग्जामिनेशन एक बेहतरीन एग्जाम है अगर आप कंप्यूटर साइंस फील्ड से हो और आपको अपनी मनचाही जॉब अपने कॉलेज से नहीं मिलती है, या फिर मिल भी जाती है तो मैं आपको कहूंगा गेट एग्जाम तो आपको जरूर देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों गेट एग्जाम देने के बाद कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों को विश्वास नहीं कीजिएगा, 30-40 लाख का तो एवरेज पैकेज मिल जाता है बड़े बड़े आईआईटीज में। आईआईटी बॉम्बे में अगर आप सोचिए कि अपना कोई अलग से फील्ड से है, जैसे सिविल से हो आप जो है दूसरे दूसरे फील्ड से हो, जहाँ पर दोस्तों आपको मनपसंद तो नहीं मिल रहा है और आपको जो है बाद में जाके आगे पढ़ना है और आपको आगे कुछ करना है, तो ऐसे में दोस्तों आप एनर्जी साइंस और भी बहुत छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स का भी एग्जाम होता है और किसी भी डिपार्टमेंट में आप बैठ सकते हो। आप चाहे किसी भी डिपार्टमेंट से हो, जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक से हूँ तो क्या मैं एनर्जी साइंस बैठूंगा? तो हाँ बैठ सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो सीएससी में बैठूंगा? हाँ बैठ सकता हूँ। तो अगर दोस्तों आप सोचिए इलेक्ट्रॉनिक्स में और आपको सीएससी का एकदम मस्त ज्ञान है और आप जो है उसी को पढ़ के जो है आगे फ्यूचर बनाना चाहते हो, तो दोस्तों आप सीएससी को लेकर जो है गेट एग्जाम दो और उसको क्लियर करो। साथ में दोस्तों मैं आपको कहूंगा कि सिर्फ एमटेक अपॉर्चुनिटी नहीं है, एमटेक में कट ऑफ हाई होता है बट इसके बाद दोस्तों एमएस का डिग्री मिल जाता है जिसमें 3 साल देना पड़ता है, बट प्लेसमेंट में उसको भी बैठने का मौका है। पीएचडी वालों को दोस्तों प्लेसमेंट में बाद में मौका मिलता है 5 सालों के बाद, और पीएचडी वालों को जो है रिसर्च में अपॉर्चुनिटी मिलती है और वहां पर उनको 22,000 रुपये एज अ पेमेंट मिलता है, मतलब पढ़ने के लिए। एमएस वालों को भी 12,400 रुपये मिलते हैं, एमटेक वालों को भी 12,500 रुपये मिलते हैं कॉलेज की तरफ से, भाई पढ़ाई करो तुम, और कॉलेज की तरफ से नहीं दोस्तों सरकारी की तरफ से मिलता है। तो इसके बाद जो है दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम है वो है कैट एग्जामिनेशन। यहाँ कोई पैसा नहीं मिलेगा दोस्तों, कैट एग्जामिनेशन के द्वारा आप मैनेजर जैसे पोस्टों में अप्लाई कर पाओगे। सिर्फ 6 IITs आपको देते हैं। अगर बात करें दोस्तों तो मैनेजमेंट का एग्जाम का जो फीस होता है उनका कॉलेज का वो काफ़ी ज़्यादा होता है, बट दोस्तों प्लेसमेंट तो एकदम बेहतरीन होती है और मैनेजर जैसे पोस्ट मिलते हैं। सबसे पहले बता दूं आईआईटी हो गया, आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे, खड़गपुर, आप देखिए फीस दे रहे हैं 11 लाख और एवरेज पैकेज कितना है 20 लाख के अप्रॉक्सीमेटली। ये तो एक साल पुराना डेटा है, अभी जो और अच्छा डेटा आ गया है और यहाँ पर दोस्तों एग्जाम निकालना भी जरा आसान होता है कंपैरेटिवली, तो आप इसको एज अ फ्यूचर में सोच सकते हो। अगर हम आईआईटी धनबाद की बात करें दोस्तों तो वहाँ सिर्फ 3 लाख का फीस है और 8 लाख का एवरेज मिल जाता है। और यहाँ पर देखिए आईआईटी जोधपुर ने भी स्टार्ट कर दिया, आईआईटी कानपुर में है और आईआईटी कानपुर दोस्तों सबसे बेस्ट आरओआई कॉलेज है क्योंकि सिर्फ 4 लाख की फीस में 16 लाख का एवरेज पैकेज मिल जाता है और इसकी जो कट ऑफ है वो भी 90 के अप्रॉक्सीमेटली रहती है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए और इसके बारे में कम लोगों को ज्ञान होता है और सबसे ज़्यादा क्या है कि नहीं जाना चाहते हैं लोग यहाँ पर दोस्तों मैं आपको कहूँगा कि एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अगर आपके लाइफ में आपको आईटीएन का टैग चाहिए, 2 साल में डिग्री कंप्लीट भी चाहिए। तो उसके बाद दोस्तों जो अपॉर्चुनिटी है वो है यूजीसी नीट की तरफ से, और यूजीसी नीट में जो है ना दोस्तों छक्के मारने वाली चीज़ है क्योंकि आप ना आईआईटी का प्रोफेसर बन जाओगे, पर आईआईटी में पढ़े नहीं बट बच्चों को पढ़ाओगे। यहाँ पर दोस्तों जब है कि जैसे सोचिए आपने जॉब कर रहे हैं तो आप तो अपनी इसमें जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी है कि आपको पहले से जो है कंप्लीट होना चाहिए आपका मास्टर्स, तो इस कैसे करेंगे भाई, मास्टर्स तो करना चाहते थे। तो दोस्तों आप अगर नहीं कर पा रहे हो, आपकी जॉब लगी है तो आप बैकएंड में, मतलब सोचिए आप जॉब तो कर रहे हैं बट आप जो है एक पार्ट टाइम जो है किसी मास्टर्स में ज्वाइन कर लीजिए, उससे तो पैसा भी मिलेगा आपको 12,000 रुपये और आप जो है अपनी जॉब कंटिन्यू कर रहे हैं, और करते करते दोस्तों आपकी जब 2 साल में आपकी जो मास्टर्स की डिग्री आपके हाथ में मिल जाएगी, सिर्फ एग्जाम तो देने जाना पड़ेगा और फिर जो है आप यूजीसी नीट की तैयारी कीजिए, 1-2 साल में इसको निकालिए और जाइए रिसर्च अपॉर्चुनिटीज के लिए सीधा का सीधा जो है आपका अच्छे जगहों पर। JRF मिल जाएगा दोस्तों, तो आप लोग को 30-40 हज़ार रुपये ऐसे भी मिलेंगे पढ़ने के लिए, और यूजीसी नीट से अगर आप आईआईटी में पढ़ाने जाते हो तो दोस्तों आपकी सैलरी भी अप्रॉक्सीमेटली 50-70,000 प्लस होती है और आगे जाकर और बढ़ेगी और आईआईटी का नाम भी जुड़ जाएगा आपके संग। इसके बाद दोस्तों अगर हम ऑनलाइन डिग्रीज की बात करें, नहीं भाई उतना नहीं झंझट लेना फ्यूचर का, अभी के अभी आईआईटी करना है तो दोस्तों आप जो है आईआईटी में बीएससी की डिग्री आप अपने कॉलेज को कंटिन्यू करते करते भी दे सकते हो। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं
जिन्होंने जो है बीएससी की डिग्री प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस में ले ली है, और उनको दोस्तों प्लेसमेंट से विश्वास नहीं कीजिएगा छक्के मारने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। बहुत सारे प्रश्न आते हैं, बहुत सारे जो लोग हैं प्रीवियसली उनको इसके बारे में पता नहीं है। मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट इसकी फीस भी दोस्तों काफ़ी हाई है, सब अफोर्ड नहीं कर पाते। मेरे टाइम में शुरू हुआ था पर इसकी फीस जो है 3-4 लाख रुपए है, तो ये काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है। बट ओवरऑल मैं आप बैकएंड में कर सकते हो, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तभी आप जो है इसके आगे बढ़ सकते हो। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को जो है मास्टर्स डिग्री भी मिल जाता है आईआईटी कानपुर से, और वो भी दोस्तों प्रोफेशनल्स को। तो अगर आपने जॉब ज्वाइन कर लिया है तो आप सोच रहे हो ना इन बिटवीन जो है कुछ मास्टर्स की डिग्री कर लेते हैं, तो दोस्तों आप ऐसे में तो आईआईटी कानपुर में कर सकते हो ई मास्टर्स, मतलब आप लोग ऑनलाइन में कर सकते हो। तो ये तरीके है दोस्तों आप जो है अपने फ्यूचर में अपने अपने डिग्री में अपने नाम के आगे आईआईटीएन का टैग लगा सकते हो, और वो भी विदाउट इवन गोइंग टू आईआईटीज। और आईआईटीज के लिए बच्चे देखिए क्या ना क्या कर रहे हैं, कोटा में 31-32 की न्यूज आती है, और यहाँ देखिए दोस्तों आईआईटी में जाना इतना आसान है, प्लेसमेंट्स लेना इतना आसान है, और इवन दोस्तों आपको वहां पर जो है पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपके पॉकेट में पैसे हैं दोस्तों, तो बड़े लोग कह गए हैं पैसे हैं तो भाई दुनिया में सब कुछ है। और इसीलिए दोस्तों कहता हूं मैं आपको कि अगर आपके पास पैसे हैं और पैसे नहीं है तो गेट एग्जाम है, और अगर पैसे हैं तो कैट एग्जाम है, और अगर पैसे उसमें भी नहीं है तो दोस्तों यूजीसी नीट है, बीएससी डिग्री है, अरे आईआईटी का नाम तो ऐसे भी मिलेगा यार, पर पैसे तो लेके आओ पहले। तो ऐसे ही दोस्तों बातें हैं, भारत है ये। तो ओवरऑल में दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपने वीडियो फ्रेंड्स को कि कैसे आप लोगों को भी आईआईटीएन का टैग मिल सकता है।